विकास की बात मुखिया जी के साथ। इस कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत हार्दिक है। मैं अशोक तिवारी और आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। आइए आज हम मिलवाने जा रहे हैं आप लोगों को, ये सियाडी पंचायत है, चरपोखरी प्रखंड के अंतर्गत सियाडी पंचायत आता है। पूनम देवी यहाँ की मुखिया है और मुखिया प्रतिनिधि के रूप में सिद्धेश्वर सिंह जी उर्फ नेता जी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं, बात करते हैं, लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने अपनी पंचायत को कहाँ तक विकास किया है। सबसे पहले हमारे समृद्धि न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम जनता आपको टीवी स्क्रीन पर देख रही है, यहाँ तक कि तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी भी देख रहे हैं। नेताजी, जानना चाहेंगे आप, चूँकि आप एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, मैंने आपके पंचायत को विजिट किया, बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी सुंदर ढंग से आपने तत्परता ढंग से एक अच्छे प्रतिनिधि होने का दायित्व आपने निभाया है। वैसे जानना चाहेंगे हम, ये जो बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है सात निश्चय योजना, आपके अनुसार एक ऐसी योजना अच्छा योजना अच्छा अच्छी योजना हाँ अच्छी अच्छा मुखिया जी, ये जो पंचायत है, इस पंचायत में टोटल गांव कितने हैं? इस गांव पंचायत में आपको बता देते हैं, चरपोखरी और सियाडी, बगुसरा, कथराई, बरनी और रसूलपुर टोला, छह गांव है इस पंचायत का। और टोटल वार्ड की संख्या कितनी है? 14 है। चयनित वार्ड? 14 चयनित वार्ड, अभी 11 है। 11 वार्ड में काम चल रहा है? नहीं, पैसा नहीं है अभी, पैसा का अभाव है, लेकिन 7 वार्ड और 11 वार्ड के नली गली का टोटल काम हो चुका है और 7 में PST को करना है नल जल योजना, 11 में हम लोग करेंगे और अभी 2 नंबर वार्ड में CRD में नल जल चल रहा है और कथराई में 13 नंबर में नल जल के काम चल रहा है और उसके बाद अभी पैसा नहीं है हम लोग के पास कि आगे हम काम बढ़ाएं, पैसा का अति जरूरी है। पैसा का भाव? हाँ, पैसा का भाव है। अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे हम, चूँकि ये लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत केंद्र सरकार का काफ़ी मोटो है कि हर पंचायत को हर घरों में शौचालय लगाया जाए, काफ़ी इस पे जोर भी दिया जा रहा है। हाँ। तो ये जो आपकी पंचायत है, आपकी पंचायत की क्या स्थिति है, कितना परसेंट शौचालय लग गया? करीब करीब 14 में 10 वार्ड में हम लोग 70 पार कर रहे हैं और जो 4 बच रहा है उसमें अभी हम लोग जोर तोर से लगे हुए हैं, इसमें भी 40 सही पार कर रहा है। हम लोग का लक्ष्य है कि सितंबर 12 तक इसको हम लोग 60% किसी तरह पार कर दें और उसको ODF घोषित कर दें, मेरा लक्ष्य है। बहुत सुंदर मुखिया जी, चूँकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी समाज में एक अच्छी छवि है, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के नाम से आप जाने जाते हैं। ये चूँकि जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको तो हर गांव में घूमना होता होगा, पंचायत के लोगों से मिलना होता, होता है, बहुत सारी समस्या भी आपके पास प्रतिदिन प्रतिदिन जाते भी जी जी। हाँ। तो हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सारे ऐसे भी चीज होते होंगे जो लगता होगा कि ये मेरे हाथ में नहीं है। हाँ। तो सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, ये शौचालय की समस्या कुछ गरीबों के पास है, उसके पास जमीन नहीं है, हम लोग बनवा नहीं पा रहे हैं, उसका रहने का भी जगह नहीं है। हम लोग CO से मिले हैं, उससे जमीन मुहैया करा रहे हैं, एक एक सामूहिक जमीन आप लोग दे दीजिए, हम सभी को शौचालय बना दें, तब सबसे अच्छा होगा और सब स्वच्छ हो जाएगा पूरा पंचायत। हाँ, इसका कमी है, जमीन का कमी है, कुछ गरीब है किसके जिसके पास रहने का जब जगह नहीं है संपूर्ण, तो कहाँ शौचालय बनाएगा, उसके लिए सरकार को जमीन देना चाहिए। अच्छा, ये मनरेगा के माध्यम से? हाँ, मनरेगा के माध्यम में जितना दलित टोला है करीब करीब बगुसरा वगैरह सब हम लोग मनरेगा से काम भलवा दिए हैं, हम लोग ज्यादा गरीबी का काम किया है, जैसे 7 वार्ड है पूरा हर दलित का वार्ड है, उसमें टोटल हम दलित को काम करा दिए हैं, 11 जो वार्ड है पूरा बैकवर्ड की वार्ड है, उसमें पूरा नली गली का सब हम लोग काम करा दिए हैं, उसके बाद मेरे पास पैसा अब नहीं है 7 नीचे में कि हम आगे कोई कदम बढ़ा रहे हैं, पैसा हमको जरूरी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। जानना चाहेंगे मुखिया जी, शिक्षा की यदि बात की जाए। हाँ। तो शिक्षा स्तर पे आप अपने पंचायत को क्या करना चाहते हैं? हाँ, हाँ। शिक्षा में देखिए, शिक्षा में कुछ कमियां हैं, जैसे यहाँ जो शिक्षक हैं, मेरा पंचायत है, हम पंचायत को बात कर रहे हैं, एक तो है कि शिक्षक लोग कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, किसी का समय निश्चित नहीं है और शिक्षा के बात रह गई कि इसमें मानकर चलिए कि मास्टर का जो योग्यता होना चाहिए, जो अच्छाई होना चाहिए, इसमें 20% मास्टर हैं, 20% कि मास्टर अच्छे पढ़ा सकते हैं, लड़का को अच्छा निर्देश दे सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, 80% जो नियोजित शिक्षक हैं वो अच्छे नहीं हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, शिक्षा मूल चीज़ है। बहुत
चलिए बहुत रहते हैं, हमारी बात हो रही थी सीआरडी पंचायत है, चकुखड़ी प्रखंड के अंतर्गत ये सीआरडी पंचायत है, और हमारे साथ है मुखिया प्रतिनिधि, नेताजी के नाम से प्रसिद्ध है एस एस सिद्धेश्वर सिंह नाम है इनका, लेकिन काफ़ी बुद्धिजीवी और कर्मठ ईमानदार के नाम से जाने जाते हैं। एक अच्छी और उज्ज्वल छवि है इस पंचायत में, काफ़ी सुंदर और तत्परता ढंग से इन्होंने अपनी बातों को रखा। सात निश्चय योजना को इन्होंने सराहनीय कदम सरकार का बताया, थोड़ी सी कमियां जो कि इन्होंने दिखाया, सरकार को शिक्षा स्तर का सुधार करना चाहिए, यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका शिक्षा का अभाव है और समय से आने का अभाव है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, चूँकि मुखिया के हाथ तो बंद गए हैं। पहले तो था कि मुखिया अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार वो उनका हाजिरी भी काट देते थे लोग, लेकिन अब वो भी इनके अधिकार से वंचित रह गया है। तो सरकार से ये आग्रह करना चाहेंगे कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे देश की शिक्षा, हमारी पंचायत की शिक्षा सुदृढ़ हो सके और हम लोग अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बना सकें। बहुत अच्छा लगा आप सुन के, थैंक यू। समृद्धि न्यूज चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन राजा के साथ।